पवन सिंह का नाम लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस होने का चलन चल चुका है, या यूं कह ले कि विवादों में रहने का एक प्रचलन चल चुका है। क्या कहेंगे आप अगर हम ये कहें कि आए दिन पवन सिंह का नाम लिया जाता है सिर्फ विवादों के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आए दिन पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में टारगेट किया जाता है, लेकिन पवन सिंह की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता, ना पवन सिंह के टीम की तरफ से कोई रिस्पांस आता है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि गाहे बगाहे एक्टर एक्ट्रेसेस पवन सिंह को टारगेट करते हैं। किसी को पवन सिंह के बिहेवियर से परेशानी है, तो किसी को पवन सिंह के गानों की कामयाबी से परेशानी है, तो किसी को पवन सिंह के उनके प्रोजेक्ट को चूज़ करने को लेकर परेशानी है। लेकिन परेशानी हर किसी को है। हाँ, ये बात और है कि कई बार विवाद खड़ा करने पर भी, बड़े बड़े विवाद खड़े करने पर भी पवन सिंह की लोकप्रियता घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। यानी कि पवन सिंह तब से और बड़े स्टार हो जाते हैं जब विवाद हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए ये विवाद कुछ दिनों के सुर्खियों में रहने का हो जाता है। खैर, वैसे हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय महानंद का जो विवाद है वो अब धीरे धीरे ही सही लेकिन गहराता जा रहा है। संजय महानंद ने पवन सिंह के खिलाफ जो कुछ बोला है, एक ऐसे समय में बोला है जिस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी शांत चल रही थी, कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन संजय महानंद ने बोला, और उसके एक दिन पहले, ठीक संजय महानंद के एक दिन पहले, अक्षरा सिंह ने एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर खेसारी को पवन सिंह से बड़ा सिंगर बता दिया। खैर, ये सारे जो विवाद है वो चलते रहेंगे, लेकिन पवन सिंह अभी हाल ही में आरा आए हुए हैं और उसके बाद जल्द ही वो मुंबई आ जाएंगे क्योंकि उन्हें अपना एक बॉलीवुड प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है।